कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए। जो हमारे बेरोजगार नवयुवक हैं और जो पंजीकृत हैं, उन लोगों को 20 लाख की ऋण सुविधा सरकार की गारंटी पर 3% ब्याज के दर पर आपको मिले। हमारे किसान खेती बाड़ी के अंदर करते हुए खेतों के अंदर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख का मुआवजा मिलेगा, और अगर घायल हो गया तो उसको 1 लाख रुपए का एक फंड मिलेगा। ये सब चीजें मैंने कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपके लिए लिख के रखी है। जो जनजाति क्षेत्र के लिए 10 वर्षों से जनजाति क्षेत्र के जंगल की जमीन पर जो बसे हुए आदिवासी हैं, तो पिछले बार भी हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इन्होंने पूरा नहीं किया। इनके प्रकरणों का विधिक परीक्षण करते हुए हम लोग नियमन की दिशा में बहुत जल्दी और अच्छे प्रयास करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके रस्तों की जो गंदी हालत है वो मेरे को देखने को मिली इस यात्रा के अंदर भी, देखा फिर भी देखा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग कहीं बढ़ ही नहीं सकते हो जब तक आपका यातायात का और आपका जुड़ाव शहरों के साथ नहीं हो जाएगा। इसलिए पहले एक दूसरे के साथ, फिर शहरों के साथ, नेशनल हाईवे के साथ, स्टेट हाईवे के साथ, मेगा हाईवे के साथ जोड़ने का काम हम लोग रोज से आप लोगों को करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का आना जाना फायदेमंद हो जाए। इसी तरीके से आपका जो राजस्थान फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2012 का, जिसकी वजह से आपको 50 गुना फाइन देना पड़ता है या 6 महीने आप लोगों को जेल जाना पड़ता है, कहीं सूखी लकड़ी काटती या कोई जानवर आपका चलता हुआ दिखाई दिया, तो इसको भी 100 दिन के अंदर ही हम लोग कुछ ना कुछ इंतजाम करा के आप लोग उससे भी छुटकारा देने का काम करेंगे। फिर इस क्षेत्र के जो लघु और सीमांत काश्तकार हैं, उनको ऋण माफी योजना के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और आपके हाड़ी रानी बटालियन की तर्ज पे जिस तरीके से हमने महिलाओं के लिए बटालियन खड़ा किया था, उस तरीके से इस क्षेत्र के अंदर आप सबको महाराणा प्रताप पुलिस बटालियन का गठन करके आप लोगों को एक और नौकरी का जरिया, एक और रोजगार का जरिया देंगे। हमने देखा कि ये जो ब्लॉक हैं आपके वो बहुत बड़े हैं, और इसलिए प्रशासनिक तौर से हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। तो इसलिए हमने ये तय किया कि उनका पुनर्गठन करेंगे, ब्लॉक्स को जरा छोटा बनाएंगे ताकि आसानी से आप लोग तक लोग पहुंच सके और आपके काम को भी हम आसानी से कर सके। टीएसपी एरिया के लिए सर्विस कार्डर का गठन करने का हम लोगों ने सोचा है। इस क्षेत्र में सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को इसी क्षेत्र के सभी वर्गों से भरने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग अपने संकट को अच्छी तरह से समझते हो और आप ये कोशिश करो कि भाई हम हमारे क्षेत्र के संकट को जल्दी जल्दी निकालोगे तो अपने ही लोगों को पकड़ने का काम होगा। ये नहीं होगा कि कोई बाहर से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, अपने क्षेत्र के अंदर ही इसको करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये सेमीफाइनल है, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सेमीफाइनल है। मैं अभी कुछ दिन पहले जीतपल जी, हम सब मिलके, हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है, ना महिला की ना पुरुष की, ना किसी जात की ना किसी मजहब की। हमारी लड़ाई अगर है तो गरीबी से, और इस गरीबी की लड़ाई हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। एक नया राजस्थान बना के तभी तो लड़ाई कर सकते हैं, तभी हम लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, तभी आपको वो मिल सकता है जो 65 साल से आपके हाथ से छूटा है और आप नहीं कर पाए। मैं बिजली, पानी, सड़क, इन सब की, रोजगार की बात कर रही हूँ भाई, और आप लोग सब बार बार अलग अलग समय के ऊपर मेरे पास आके बोल गए। ये आपका रास्ता गड़ी से होते हुए आपके, ये आप घाटों से होते हुए जयपुर पहुंचता है। अगर जयपुर में आपने सरकार बना दी, जोरदार तरीके से बना दी, तो एक नया राजस्थान का आगाज हो जाएगा। और फाइनल जो आता है 2014 के अंदर, इस 2014 के फाइनल के अंदर अगर जयपुर का तख्ता पलट दिया तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान का तख्ता भी पलटेगा, और जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे काम में कोई अड़चन नहीं। गरीबी के हटाने के बजाय गरीबी के बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है, इसलिए इनको एक मिनट के लिए भी उस कुर्सी पर नहीं बिठाना है। और आज आपके लिए मैं यही पता करने आई हूँ कि हम लोग आपको पूरे 5 साल का सेवा के रूप में सरकार देने को तैयार है। आप वो 5 साल की सरकार लेने को तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बता दो, एक जोरदार तरीके से बता दो। तो नवनीत लाल नीमरामा को जिताने का आप लोगों ने हाथ ऊपर किया है,